जो संवेदनाएं हैं वो सब चलती हैं। तो ये हड्डियों का बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व, हड्डियों का स्वास्थ्य, हड्डियों की मजबूती, कहते हैं ना फौलादी होनी चाहिए, हमारी फौलाद जैसी होनी चाहिए हमारी हड्डियाँ। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई क्योंकि एक तो कैल्शियम हमारी डाइट में से कम हो गया 85% लोगों को, कहीं कहीं 70, कहीं 75, कहीं 80, 85% लोगों को, किसी किसी के घर में तो सबको ही हड्डियों की कमजोरी है। तो पूरे एवरेज आउट करते हैं तो पूरे देश में 75% लोगों को भारत में सबसे ज़्यादा ये बोन डेंसिटी है, अब की प्रॉब्लम है, हड्डियों के घनत्व की समस्या है। तो इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं इनको कर लें, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ फिर कुछ आसन, कुछ प्राणायाम बताएंगे, और बाकी उपाय तो यहाँ चल ही रहे हैं। हड्डियाँ गड़बड़ हो जाती हैं तो श्रृंगी लगवाते हैं, अंदर से के टॉक्सिन्स को, अंदर की इन्फ्लेमेशन को, अंदर के दर्द को निकालने के लिए लीच लगाते हैं, फिर पोटली मसाज करते हैं, फिर कटिबस्ती करते हैं, फिर इधर ये चल रहा है एक्यूप्रेशर चल रहा है, वातमोक्षण चल रहा है, रक्तमोक्षण चल रहा है, और साथ में हमारे अजीत राणा जी जो है वो हड्डियों की मांसपेशियों की सेटिंग करने में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें तो इसमें बस्ती भी देते हैं, इसमें बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती के अलावा दही छाछ, नींबू अचार, टमाटर, बाई बादी की चीज़ें बंद करा देते हैं, एटीएम की सब्जी खाली, मिलेट्स देते हैं, मिलेट्स में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, दूध में हल्दी शिलाजीत पिलाते हैं, लाक्षादि गुग्गल, ये हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें रामबाण होता है। वैसे और कुछ कुछ जगह तो मैंने देखा राजस्थान आदि में गोंद पीते हैं लोग, गोंद को भून करके, सेक करके, पाउडर करके, थोड़ा मेल्ट करके, और उसमें थोड़ा सा हनी, शक्कर, गुड़ आदि मिला करके पीते हैं तो हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो खैर आज ये बोन डेंसिटी का पूरा कार्यक्रम रहेगा, हड्डियों की हेल्थ। अब जैसे इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी तो भाई उल्टा लेटा पड़ा है ये संतोष जी मेरे भाई, इसके कुल्ले की हड्डी घिस गई थी, एवियन हो गया था जी मेरे भाई, तो अब ये 50% तो अच्छा हो गया मात्र 3 दिन में। तो सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, जो सूर्य नमस्कार रोज करेंगे, जो दौड़ रोज लगाएंगे, उनको तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। और एक दिन में कम से कम 1 ग्राम कैल्शियम लेंगे, 1 ग्राम कैल्शियम। अब 1 ग्राम कैल्शियम 1 गिलास दूध से मिल जाता है, 1 कटोरी दही से मिल जाता है, 1 ग्राम कैल्शियम आप मिलेट्स खाते हो, रागी, ज्वार, बाजरा, मकई, चौलाई, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं और चावल में सबसे कम होता है, इसलिए हम कहते हैं जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, इसलिए थोड़ा मिलेट्स की ओर लौटना पड़ेगा। तो एक तो अपने डाइट में थोड़ा चेंज करें, और ये सिंथेटिक कैल्शियम खाते हैं उसकी बजाय ये नेचुरल कैल्शियम का बोन, न्यूट्रिला बोन हेल्थ तो हम देते ही हैं, न्यूट्रिला बोन हेल्थ के अलावा, ऑर्थो केयर के अलावा सबसे अच्छा है हल्दी मेथी सोंठ, हल्दी में सोंठ अश्वगंधा का पाउडर ले लें या वातारी चूर्ण ले लें, और सबसे अच्छा होता है लाक्षादि गुग्गल, गुग्गल बहुत ही ज़बरदस्त है, या अश्वशिला, या दूध में हल्दी थोड़ा शिलाजीत। पहले किसी की हड्डी टूट भी जाती थी, मैंने तो हर उम्र में 5-10 साल के बच्चों से लेकर के 80-90 साल के लोगों की हड्डी जोड़ी है दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल से, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक तो मकरासन, भुजंगासन, अब जब रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बाकी
ये सब अभ्यास हम स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी कराते हैं, लंग, हार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी कराते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब गड़बड़ी हो जाती है तब तो फिर हम, आप जो देख रहे हो यहाँ, हम कायरोप्रैक्टिक भी कराते हैं, वात मोक्षण रक्त मोक्षण कराते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर भी करवाते हैं। ये तो हो गई स्थिति खराब होने के बाद कैसे संभाला जाए। धूप में बैठाते हैं, धूप में बैठाते हैं, धूप में बैठा, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो मैंने, हमने कैल्शियम ले भी लिया और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम मान लीजिए 1 ग्राम कैल्शियम खा रहे हैं तो 200 मिलीग्राम ही उसमें से एब्जॉर्ब हो पाता है, कुछ यूरिन से कुछ टॉयलेट से फिर पास आउट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन धूप में बैठना, बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करना, बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, जो अभी आसन बता रहे हैं इन आसनों का करना, और खाने में से एक चीज़ तो हटानी पड़ेगी, ये जो बहुत तीखे तले और खास करके जंक फूड में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक अंदर के कैल्शियम को, जो हमारे शरीर के अंदर का भी कैल्शियम होता है, उसको निचोड़ करके बाहर कर देती है। तो जो हमारी हड्डियां हैं वो अंदर से गलनी शुरू हो जाती है। पहले तो हड्डियों के दर्द रोग होंगे, फिर दांतों के रोग होंगे, फिर हार्ट के रोग होंगे, फिर ब्रेन के रोग होंगे, फिर पाचन तंत्र के रोग होंगे, मेमोरी लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ों से बचना है। तो आज का प्रोग्राम देख करके, एक तो सॉफ्ट ड्रिंक आदि जितने भी जंक फूड आदि खाते हैं, तीखा तला बहुत ज़्यादा खाते हैं, उत्तेजक आहार लेते हैं, इससे बचना पड़ेगा, उत्तेजक विचारों से बचना पड़ेगा। वो हमारे पूरे शरीर को धीरे धीरे क्षय करते हैं। इसको बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक तो आसन करें, मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, अभी जो हम कर रहे थे धनुरासन, मरकट आसन, लंबे श्वास लें। लंबे श्वास लेंगे तो 37 ट्रिलियन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचेगा। 37 ट्रिलियन सेल्स तक, देखो 99% तो हमने कहा जो हमारा कैल्शियम है वो हड्डियों के काम आता है, 1% में जो आपने जैसे अभी कहा, चाहे हमारे बॉडी के अंदर पूरी सिग्नल्स हैं, चाहे ब्रेन की हमारी वर्किंग है, हार्ट की वर्किंग है, आँतों की, किडनी की वर्किंग है, इसमें एक बड़ी भूमिका इस कैल्शियम की होती है। तो जितना हम लंबे सांस लेंगे, जितना हम सात्विक आहार लेंगे, जितना हम दूध, दही, छाछ आदि नेचुरल चीज़ों का सेवन करेंगे और नेचुरल सोर्स से अपने शरीर को कैल्शियम देंगे, जो मैं कह रहा था डेली की 1 ग्राम की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए चौलाई, जो, सिंघाड़ा, रागी, ज्वार, बाजरा, मकई, ऐसे ये जो मिलेट्स हैं इनका सेवन करें, और रोज़ कम से कम 5 मिनट कपालभाति अवश्य करें, तो कभी भी ज़िंदगी में शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी। और जो आपने अभी हार्मोन बोला, उस हार्मोन की भी कमी नहीं पड़ेगी। तो देखो, एक तरीका तो ये है जो हम अभी कर रहे हैं, ऐसे ये सीधे लेट करके ऐसे साइकिलिंग करें, इससे बॉडी का वेट भी बैलेंस होगा, पेट भी ठीक रहेगा, और उल्टे लेट करके जो है मकर आसन करें ऐसे। तो अभी घुटनों के ऊपर ही बात कर लेते हैं थोड़ी देर।
और घुटनों का के लिए सिंगी भी लगाते हैं, जैसे आप यहाँ श्रृंगी चिकित्सा देख रहे हैं। घुटनों के लिए वात मोक्षण भी कराते हैं, जो इधर ये दीपक वात मोक्षण कर रहे हैं। घुटनों के लिए जो हमारे अजीत राणा जी जो है वो कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, मर्म चिकित्सा कर रहे हैं, वो भी कराते हैं। घुटने के लिए एक्यूपंक्चर भी करते हैं, घुटनों के लिए एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे ऐसे ये भी करते हैं। घुटनों के लिए ये रोज़ हम बटरफ्लाई भी करते हैं, घुटनों के लिए ये ऐसे ऐसे ये भी सूक्ष्म व्यायाम करते हैं घुटनों के लिए। फिर घुटनों के लिए बैठक भी लगाते हैं। अब ये बैठक लगाने के लिए तो पहले घुटनों को मजबूत बनाना पड़ेगा, लेकिन जो बैठक लगाते रहेंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी घुटनों के लिए। फिर ऐसे ऐसे ये घुटनों को ये घुमाते भी हैं। घुटनों के ऊपर अभ्यंग भी करते हैं, मसाज भी करते हैं, जानुबस्ती भी करते हैं, और घुटनों के ऊपर पीड़ा तक तेल लगा देते हैं, और ये घुटनों को ऐसे ढीला छोड़ते हैं, खींचते हैं ऐसे। ये बहुत अच्छा ऐसे खींचना, घुटनों को यूँ खींचा यूँ छोड़ा। तो अब देखो, हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरत है, और जो हड्डियों के बीच में का जो गैप है, जिससे कि दोनों हड्डियां एक दूसरे से रगड़ा ना खाएं, इसके लिए जो कार्टिलेज बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और दूध दही लेने से वो दोनों चीज़ें अच्छे रहते हैं। बाकी प्रोटीन का सबसे बेस्ट विकल्प है हम स्प्रिलोना देते हैं, और न्यूट्रिला बड़ी आदि तो देते हैं। ये सोयाबीन जो है ना, ये सोया बड़ी बड़े ज़बरदस्त रहती है। फिर प्रोटीन के लिए दालें, और दालों में मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ, और बाकी दालें मिक्स दाल सबसे बेस्ट होती है। और इसके अलावा ये जो पीछे से ये पूरे चैनल है ना, यहाँ से भी दबाते हैं और चारों तरफ से भी इसको करते हुए प्रेशर करते हुए, पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल वटी खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिटी सब देते हैं। पीडानिल पैच भी लगा देते हैं, ये पूरा घुटने के ऊपर आ जाता है, पूरा जो पैच है ये पहले एलोपैथी में इस तरह के कुछ प्रयोग किया करते थे। आयुर्वेद के फील्ड में हमने पहली बार ये किया कि जब किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये पैच जो है ये पूरा का पूरा ऐसे ये घुटने पर ही लगा दिया, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बड़ा काम आएगा ये। ऐसे रात को लगा करके छोड़ दिया और सुबह तक दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय हैं। ये पीडानिल पैच है, इसमें ऐसे पूरे दर्द को अंदर से खींचने वाली औषधियाँ हैं। जी मेरे भाई, कप जी, हाँ जिनके एक्सीडेंट के वजह से अंदर के पटेले टूट गए हैं, ये पूरा कपाली टूट गई है उनकी, तो उनको दूध में हल्दी शिलाजीत अश्वशिला, और सबसे अच्छा मैंने आज एक औषधि बताई है लाक्षादी गुग्गल, ये बेस्ट है। किसी भी उम्र में हड्डियों में टूट फूट हो जाती है उसको 100% रिपेयर कर देता है लाक्षादी गुग्गल। और न्यूट्रिला बोन हेल्थ और ऑर्थो केयर में आपको बता ही रहा था, ये तो देते ही देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जो सुबह उठ कर के प्रतिदिन कम से कम एलोवेरा का जूस ही पी लेते हैं, एलोवेरा या गिलोय का, उससे हड्डियां 100 साल तक इतनी मजबूत रहती है कि कभी भी घुटने से लेकर के पूरे शरीर में कहीं दर्द होगा ही नहीं। ये जो पूरा जो हमारा कंकाल तंत्र कंगाल हो रहा है, कंकाल कहते हैं स्केलेटन सिस्टम को, पूरा कंकाल तंत्र कंगाल से और बदहाली से बचाना है तो सुबह उठ करके एलोवेरा और गिलोय का जूस ही पी ले, बात तो छोटी सी है। और अंदर जो इन्फ्लेमेशन टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट से या RACRP NA AVN HLB 27 आदि ये जो पेन मार्कर्स यूरिक एसिड आदि बढ़ जाते हैं, ESR आदि, तो गोधन अर्क सुबह पी लिया 1-2 चम्मच, फिर तो
कोई जरूरत ही नहीं किसी भी चीज की। तो एक तो मैंने कहा बच्चों को बचपन से ही दौड़ लगाना चाहिए, और मेरा इरादा तो है कि मैं 100 साल तक दौड़ूंगा। जो दौड़ लगाएंगे, दौड़ते नहीं है बच्चे, और जो खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, आते किडनी कैल्शियम को बाहर निकालते रहते हैं। लोगों के थायराइड पैराथायराइड, दही छाछ खट्टी चीज़ें से हमारा जो पैराथायराइड है ना वो कंट्रोल, देखो पूरी बॉडी को तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, कहाँ पर कितना कौन सा केमिकल सोर्स हार्मोन चाहिए वो सब यहाँ से। पूरी बॉडी के कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए थायराइड के ऊपर ही 4 छोटे छोटे हल्के हल्के पैराथायराइड नाम के ग्रंथि होती है, बहुत पतली पतली सी, चाहे उस चने से भी छोटी कह लीजिए, वो उससे पूरा कंट्रोल होता है। और जो खट्टी चीज़ें खाते हैं उससे वो पैराथायराइड की हेल्थ ही खराब हो जाती है, तो इसलिए खट्टी चीज़ों के लिए मना करते हैं। दूसरा जो है जितना भी जंक फूड फास्ट फूड मैंने बोला, एक तो जंक फूड आंतों को ख़राब करता है, जो बाकी ये जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है ये शरीर के कैल्शियम को निचोड़ करके वॉश आउट करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इनसे तो बचना पड़ेगा आज की युवा पीढ़ी को जो बहुत ज़्यादा बर्गर पिज्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक आदि में लगा पड़ा है। और रोज हमारे साथ योग करना पड़ेगा, कम से कम मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन के साथ कपालभाति कर लें, कम से कम रोज एक बार सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार ही कर लें। सुबह उठ करके जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे ऐसे, उनको फिर जिंदगी में यह हड्डियों की कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। कम से कम 1 गिलास दूध या 1 गिलास छाछ का सेवन कर लें, कम से कम सप्ताह में 3 से 4 5 दिन, अब 1 2 दिन गेहूं चावल भी खाना है तो खा लो, 3 से 5 दिन मिलेट्स का सेवन कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम 5 मिनट कम से कम कपालभाति और 5 मिनट जो अनुलोम विलोम कर लेंगे, उनकी ज़िंदगी में हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी। कुछ चीज़ें तो हमें तय करनी पड़ेंगी कि मुझे रोज कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम करने ही हैं, टीवी पर देख करके तो सैकड़ों रोगों से समस्याओं से बुरी आदतों से भी बच जाएंगे। बहुत तरह की बुरी आदतें, बुरा सोचना बुरा देखना, नेगेटिव सोचना नेगेटिव देखना, बहुत सही चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हम आहार और विचार के रूप में कंज्यूम करते रहते हैं, और बुरी चीज़ों के कंज्यूमर बनने से पूरा शरीर का कचरा कर लेते हैं, सारा खतरा टल जाएगा खाली योग की एक अच्छी आदत से। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी, एक तो महिलाओं को तीखी चीज़ें बड़ी पसंद है, तीखी भैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो पुरुष ज़्यादा आगे हैं। महिलाओं को खाने पीने में खट्टी चीज़ें जैसे आम की खटाई, इमली की खटाई, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, और आजकल तो सभी लोगों को ज़्यादा पसंद होने लग गई। और महिलाएं धूप में बैठने से थोड़ा सा कतराती है कि मेरी स्किन क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी तो हाँ टैन हो जाएगी टैन से बस। तो महिलाओं को खट्टी तीखी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, धूप में बैठना पड़ेगा और मिलेट्स का सेवन करना पड़ेगा। और महिलाओं को माहवारी के समय भी बहुत दिक्कतें होती हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी चीज़ें हो जाती हैं, तो माहवारी को ठीक रखने के लिए एक तो कपालभाति,
बाह्य प्राणायाम और नारी कांति वटी नारी कांति शरफ या दशमूल क्वाथ, इसका नियमित सेवन करना चाहिए। एक गोली चंद्रप्रभा की और एक गोली जो है लाख शादी गुग्गल की महिलाओं को ले लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए। जिन माताओं को, बहुत सी माताओं को मैंने देखा, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में देखता हूँ, अपने सन्यासिनी बेटियों को भी देखता हूँ, दूध कम पीती है लेडीज़, ये क्या चक्कर है? ठीक कह रहा हूँ ना, दही तो फिर भी खा लेती है, दूध कम पीती हैं, और चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी कैल्शियम शरीर से वॉश आउट होता है। तो घर में मेहमान आए, चार कप मेहमानों के लिए बनाए, एक बच गया तो उसको खुद पी लिया, तो ये ठीक कह रहा हूँ ना, समझ में तो आ रही है बात, आगे से गड़बड़ मत करियो। हाँ, तो महिलाओं का एक तो माहवारी का जो साइकिल है वो उसमें एलोवेरा भी बड़ी भूमिका निभाता है, उससे पीरियड भी अच्छे हो जाते हैं। तो अब महिलाएं को भी हड्डियां फौलादी बनेंगी, और आप सावधान रहना हुसैन भाई, आपके पास तो तीन तीन देवियां हैं, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, इसलिए अपने हड्डी पसली संभाल के रखियो। रीढ़ की हड्डी का कई तरह से बोले, हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियाँ, तो ये हमारे हेल्थ सिस्टम, ये एजुकेशन, ये हमारा रीढ़ की हड्डी है, अपनी रीढ़ की हड्डी भी खराब हो रही है। तो उष्ट्रासन, अर्धचक्रासन और उल्टे लेट करके जो अभी मैं बता रहा था, मकरासन, भुजंगासन, इसके अलावा रोज़ कम से कम 100 बार दंड लगा लें, जो है मैं रोज़ कहता हूँ 100 बार कम से कम, या तो भुजंगासन क्या करें, और जवानों को तो 100 बार दंड लगाना है ऐसे। ये हमारे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी भी बहुत ज़बरदस्त लगाते हैं, वैसे तो हुसैन भाई भी लगाते हैं, लेकिन इनको जो है योग वाले कार्यक्रम में भी एंकरिंग की भूमिका करनी पड़ती है, तो अमित जी की तरह, हुसैन जी की तरह, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी की तरह, उनको तो हम करवाते ही रहते हैं, उन्होंने तो अपना अभ्यास ऐसे कर लिया। इसको ऐसे मुट्ठी बांध करके भी किया जाता है, और इसको ऐसे हथेली पर ऐसे रख करके भी किया जाता है, और मैं तो 500 बार करता हूँ गुरुकुल में पढ़ने से ही, ऐसे ऐसे पूरा लंबा लंबा श्वासों के साथ, तो इससे मेरी रीढ़ की हड्डी कम से कम 3-4 बार टूटी फूटी। एक बार हम जांडी के पेड़ पर, बबूल पर, बड़ पीपल पर चढ़ने वाले, नीम पर चढ़ने वाले, मोटे मोटी टहनियों पर, लीची की पतली सी टहनी पर चढ़े पड़ गए थे आज से करीब 30 साल पहले, तब भी नहीं टूटी, इतनी मजबूत बन गई है देखो कर करके। फिर एक बार एक पहलवान को उठा के पटक दिया था, अब वो कार्यक्रम तो अभी भी करता हूँ लेकिन अब थोड़ा सा होशियारी से करता हूँ, और अड़ी पड़े से उठा करके उछाल के फेंक दिया, तो उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, स्लिप डिस्क हो गया था, लेकिन फिर वो भी ठीक कर लिया, अश्वशिला खा करके, लाक्षादी गुग्गल खा के, दूध में हल्दी शिलाजीत ले करके, और ये भुजंगासन तो बड़ा ज़बरदस्त है, अब भगवत कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये भुजंगासन, इसको 5 मिनट में आराम से 100 बार हो जाता है, जवानों का तो 2 ही मिनट में 100 बार हो जाता है। ऐसे एक, और ये दूसरा मरकटासन, इसको भी थोड़ा फास्ट करें, एक तो धीरे धीरे कराते हैं, फिर एक थोड़ा फास्ट करें, ऐसे जब धीरे धीरे हो जाएगा उसके बाद में फास्ट भी कर ले। अब ये तो आम तो थोड़े दिन में अब टपक टपक के गिरने वाले हैं, ये चौसा आम है, बड़ा ज़बरदस्त है, लंगड़ा चौसा। ऐसे ऐसे हाँ, एकदम टपका वाला खिलाएंगे, बिना केमिकल वाला।
ऑस्टियोनोक्रोसिस। मरकटासन के अलावा एक तो ये अर्धहलासन, ये वेट के लिए भी कराते हैं हम, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। और इसमें देखो जिनको ये प्रॉब्लम है ना, एक बार हरिद्वार जरूर आ जाना, पतंजलि वेलनेस में, योगा ग्राम निरामयम में, और ये उसमें फिर वात मोक्षण रक्त मोक्षण जो यहाँ पर चल रहा है ना, ये तीन अभ्यास तो करना ही, अर्धलासन पाद वृत्तासन एक एक पैर से और दोनों पैरों से, ये वात मोक्षण, ये रक्त मोक्षण, ये श्रृंगी, ये एक्यूप्रेशर, ये एक्यूपंचर, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये ग्रीवाबस्थि, कटिबस्थि, पृष्ठबस्थि, ये पूरा लीज थेरापी, और ये पोटली मसाज, पत्रपिंड मसाज, फिर बालों का मसाज, स्नेहधारा मसाज, अलग अलग तौर तरीके, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के दर्द को, अंदर के मर्ज को निकाल करके मरीज को 100% हम निरोगी बना देते हैं। तो ये जो अभ्यास हैं ये घुटने के कुल्ले के लिए बड़े ज़बरदस्त है। किसी को खटपट बहुत बोलती है, जैसे अभ्यास करेंगे तो अंदर से खटपट घरड़ घरड़ शुरू हो जाता है, क्यों, अंदर से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई। तो तीन अभ्यास तो ये बैठ कर के, और एक अभ्यास ये ऐसे, तीन अभ्यास तो लेट करके, फिर ये ऐसे बैठ करके ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये मोटापा के लिए अभ्यास बताते बेसिकली, लेकिन ये कुल्ले की हड्डी और रीढ़ की हड्डी का ये जो पूरा जॉइंट है ना, इसको एकदम सक्रिय कर देते हैं, क्रियाशील कर देते हैं, पूरा हड्डियों का मेटेरियलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन जब अच्छा हो जाएगा, कैल्शियम भी पूरा मिला, पूरे शरीर में लंबे लंबे श्वास भरे, उससे ऑक्सीजन भी पूरा मिला, तो बोन डेथ से बचा लेंगे पूरे शरीर को, रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरे शरीर को ही बोन डेथ से हम बचा लेते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा अंदर से हड्डियां लोगों की गल सड़ गई है, इसलिए एक तो ये गला सड़ा, आहार बंद करें, अपने आप को सड़ने से बचाएं, बायबादी की चीज़ें, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं उससे अपने आप को बचाएं, एलोवेरा और गिलोय सुबह उठते ही पिए, और जो आज उपाय बता रहे हैं, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो कॉमन है, लेकिन लाक्षादि गूगल ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, और डाइट रिस्ट्रिक्शन से अर्थराइटिस में, डायबिटीज़ आदि में जब अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर एक एक ये पाउच में ही बना दिया है, एक इसका एक एक पाउच यही खा लिया करेंगे तो जो है कभी भी ये बोन डेथ के शिकार नहीं होंगे, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर नहीं होंगी। मेरे ऊँटनी का दूध इसमें बड़ा काम करता है। तो देखो प्राणायाम सीधे बैठ के, अब घुटने कमर में ज़्यादा दर्द है तो नीचे भी बैठने में दिक्कत होती है, तो कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। यदि पूरे शरीर में प्राण का अभी संचरण ठीक से नहीं होगा, तो रक्त का संचरण ठीक से नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ठीक नहीं होगा, तो बोन हेल्थ भी ठीक नहीं रह सकती। तो पूरा हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म है, जिसके मैं बोल रहा था, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स जो नए सेल्स बनाते, पुराने सेल्स को प्रोसेस करने का पूरा एक सेल साइकिल है ना, पूरा उसको रेगुलेट करने के लिए बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों के पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए, और ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर एक श्रृंखला है पूरी, उससे बचने के लिए भस्त्रिका, ये 5 मिनट कपाल भाति, 5 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये भी 5 से 15 मिनट। और ये जो बाह्य प्राणायाम में कह रहा था ना, आते और किडनी जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक बोन हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो सकती, उसके लिए कपाल भाति के साथ ये बाह्य प्राणायाम भी जरूरी है, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ। इसको जरूर करें, और योगासन के साथ भी प्राणायाम और ध्यान किया जा सकता है।
और पूरे शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का, जीवन का ही रूपांतरण हो जाता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एक गर्भ माँ की कोख से और दूसरा गर्भ योग से मिल जाता है। मैं कहता हूँ ये दूसरा जन्म मिलता है, दूसरा जन्म, दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि योग से मिलते हैं मेरे भाई हुसैन जी। अब बताओ भावी का जो 15 साल की है, अब इसको कहते हैं कि ये शरीर के अंदर सच में अब ये कैल्शियम की कमी हो रही है। अब इसके लिए सिंथेटिक कैल्शियम खाते हैं, सिंथेटिक कैल्शियम वो शरीर में खा तो लेते हैं लेकिन वो उसको बायो ऑब्जर्वेशन उसका बहुत कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो मिलेट्स का सेवन करें, और बेटा आप तो दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला लेना और उसमें एक बूंद शिलाजीत और लाक्षादि गुगुल आप सुबह दोपहर शाम एक एक गोली खाना शुरू कर दो। यदि बॉडी वेट अच्छा है तो फिर आप दो दो गोली भी खा सकते हो। एक महीने में आपकी हड्डियाँ पूरी फौलादी हो जाएंगी, गर्दन कमर घुटनों में कोई दर्द नहीं होगा। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें बायबादी की चीज़ें ना, इनका सेवन ना करें भाविका जी। और जो आज घुटनों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए जो एक्सरसाइज है जो बताए इनको करना, और प्राणायाम अवश्य करना बबिका की जी, और फिर और भी बच्चे ठीक हो जाए। ये टेल बोन के लिए तो सबसे बेस्ट होता है श्रृंगी। श्रृंगी सीधी टेल बोन के ऊपर ही कर देते हैं और एक दिन में ही दर्द गायब हो जाता है। किसी को ये टेल बोन में पेन हो, घुटनों में पेन हो, टखने में, एड़ी में दर्द होता है, टेनिस एल्बो होता है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन होता है ना, तो श्रृंगी चिकित्सा से या लीज थेरापी से इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। उसको थोड़ा वात मोक्षण, रक्त मोक्षण या कायरोप्रैक्टिक भी करवा देते हैं। तो एक बार उसको यहाँ भेज दीजिए, नहीं तो कई दिन दुख पाएंगे। कई बार ना हमारे को शरीर में रोग हो जाता है और उसको हम महीनों वर्षों खींचते ही रहते हैं, तो जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत पतंजलि वेलनेस आ जाए। बाकी तो अभी जो हम मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, वरकटासन बताया, या गर्म पानी में थोड़े पत्ते रखे, इधर देखो ये भांग के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, आंखे के पत्ते हैं, इनको उबाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके और फिर पीडानिल स्प्रे, पीडानिल तेल ये लगा ले, तो उससे भी तुरंत फायदा हो जाएगा ज़्यादा चोट आने पर टेल बोन में। फिर श्रृंगी आदि और ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण जरूरी हो जाते हैं। जो उपाय बताए ये पॉइंट भी दबा ले। अगला प्रश्न आप ले लीजिए किसी की। अब टेल बोन आज के बाद नहीं दुखेगी, सारे उपाय बता दिए। तो फेशियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए पूरे शरीर पर तो असर होता है, चेहरे पर विशेष असर होने लगता है, फिर बोलने में भी दिक्कत होती है। मेरे भाई आपको पूरा अच्छा करेंगे, निर्मल जी आपको पूरा निर्मल करेंगे। एक तो आप बाकी सब एक्सरसाइजों के साथ देखो, ये बहुत कम बताते हम लोग, लेकिन किसी किसी का तो साथ में कैल्शियम से, अर्थराइटिस से जबड़े पर भी असर आ जाता है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जिनको फेशियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उनके लिए भी। एक तो ये ऐसे पूरा मुँह खोलें, बंद करें ऐसे, गन्ने के मौसम में गन्ना थोड़ा थोड़ा चबाया करें, शेष चना चबाया करें, जो है थोड़ा सा 25-50 ग्राम ऐसे ही चना खा लिया तो चबा चबा करके ऐसे भी खाना, चबा चबा करके खाया करें। अनुलोम विलोम फिर ज़्यादा करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली, कोंच के बीज, बला बीज, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती है। अभी अश्वगंधा, शता और सफ़ेद में से कोंच बीज, बला बीज नहीं मिलते, तो इन सब का विकल्प है उसमें। तो फिर इस सारी चीज़ों के अलावा फिर हमने रिद्धि विद्धि जीवक रिपक वेदा महामेधा सब मिला करके
इम्यूनोग्रिट, वो इम्यूनिटी के लिए भी काम आता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए भी काम आता है, पूरे शरीर के मसल्स टूटने लगते हैं। तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इनका सेवन कर लें और रोज़ प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये मैंने 25, 25, 30, 30, 40, 40 सालों से लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से बचा के रखा हुआ है। तो आप भी निर्मल जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, बस प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा करना, कपालभाति अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। तो देखो इधर हमने गाय का दूध डाला, ठंडा दूध, गर्म दूध में नहीं करना, ठंडे दूध में। रात को भिगो दी थी हमने ये अंजीर। ये अंजीर पेड़ों पर भी लगता है, तो महाराष्ट्र में और पूरे दक्षिण भारत में तो बहुत होने लगी, उत्तर भारत में अब लोग लगाने लग गए अंजीर। और ये जो काजू है ना, ये गर्म पड़ता है, तो इसको रात को भिगो दिया था। भिगोने के बाद में ये टेस्टी भी लगता है खाने में भी। जो काजू है वो भिगोने पर और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और काजू और अंजीर डाल दिए ठंडे दूध में, गर्म दूध में तो फट जाता है दूध। तो जो है इसको घुमा दिया, और घुमाने के बाद में इसका पूरा ये बड़ा ज़बरदस्त है, अंजीर और इसके अंदर काजू रात को भिगो करके। ये अंजीर जो है इसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, और ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हमने इसलिए कैल्शियम की कमी ना पड़े, न्यूट्रेला बोन हेल्थ तो दिया ही, साथ में अंजीर की बर्फी भी बना दी। जो इसको खाएगा फिर उसकी बोन्स कभी कमज़ोर नहीं रहेंगी। ये तो आपके लिए भी भिजवा सकता हूँ। वैसे एलोवेरा का हलवा, एलोवेरा की खीर, एलोवेरा की बर्फी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो सुबह एलोवेरा पी लें, अंजीर का मिल्क शेक पी लें, अंजीर काजू का या अंजीर की बर्फी खा लें, हड्डियों को मजबूत बना लें, दूध में हल्दी से लाजीत ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हड्डियाँ सबकी रहेंगी मजबूत।